आज आपको भारत के काफी सारे स्टेट्स में एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे जिसकी शुरुआत 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के मुंबई को पुणे शहर से जोड़ता था, जिसकी लंबाई 94 किलोमीटर के आसपास थी। इस हाईवे को बनाने में 1,63,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसकी लागत भारत में बने किसी भी हाईवे से सबसे ज्यादा थी। इस हाईवे के बनने से पहले मुंबई और पुणे के बीच की दूरी 3 घंटे की थी, जिसको कम करके इस हाईवे की वजह से उसको 1 घंटे किया गया। इस हाईवे को भारत का सबसे महंगे टोल के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ ट्रेवल करने के लिए आपको कार या जीप से 320 रुपए का एक तरफ का टोल लगता है। मिनी बस का इसके लिए 495, बस 940 रुपए के टोल से यहाँ से गुजरती है। डबल एक्सल के लिए 685 रुपए का टोल लगता है। ट्रिपल एक्सल व्हीकल के लिए 1630 रुपए का टोल लगता है। मल्टी एक्सल व्हीकल के लिए 2165 रुपए का टोल यहाँ चार्ज किया जाता है, जो कि भारत के किसी भी सड़क के टोल से सबसे ज्यादा है। पर किलोमीटर टोल की बात की जाए तो भारत के लगभग सभी टोल पर आपको पर किलोमीटर 2.40 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज टोल के रूप में आपको देना होता है, लेकिन इस हाईवे पर वो ही चार्ज आपका 3.20 रुपए पर किलोमीटर होता है, जो कि एक नॉर्मल एक्सप्रेसवे से 1 रुपए ज्यादा है।